हेलो फ्रेंड्स, फ्रीजर एक्वेरियम आपका स्वागत करता है आपके पेट शॉप का साथी सिंस 1998 से, जिसमें बहुत सारी वैरायटीज, एक्जॉटिक फिश की वैरायटीज है, जैसे रेडटेल गोल्डन अरवाना, पर्ल अरवाना, डिस्कस, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो रोज अवेलेबल हमारे पास नई नई फ्रेश वैरायटीज आती है। और कैट फूड में भी बहुत सारी वैरायटीज, जैसे म्याओ ब्रांड है, रॉयल कैनिन है, विस्कस है, ड्रूल्स है, ऐसी बहुत सारी वैरायटीज जो हमारे पास अवेलेबल है और विथ डिस्काउंट्स। और इसके लिए आपको हमारी शॉप पे आइए, एक बार विजिट करिए और उसका फ़ायदा उठाइए। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। केंद्र सरकार द्वारा जो किसानों का जो बिल लाया गया है, उसके खिलाफ कहीं ना कहीं भारत में किसान जो है इस कानून का विरोध कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं इस कानून को वापस लिया जाए। और आज मुंब्रा शहर में भी किसानों के समर्थन में कांग्रेस पार्टी ने जो एक आंदोलन किया है। इनकी भी मांग है कि सरकार द्वारा जो कानून लाया जा रहा है किसानों के लिए, उस कानून को वापस लिया जाए। लेकिन किसान आंदोलन से जो तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, वो काफ़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि मीडिया का भी जो है यहाँ पर देखा जा रहा है कि किसान जो है मीडिया को भी वहाँ से भगा रहे हैं, जो एक अलग तबका, जिसे कह सकते हैं कि जो मोदी मीडिया के तौर पर वहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। और किसान लगातार उन मीडिया को वहाँ से खदड़ने का काम कर रहे हैं, जिस तरह से CAA की तरफ भी ऐसी ही तस्वीरें सामने आई थी कि उस दौरान भी रिपोर्टिंग करने वाले जो गोदी मीडिया थी, उन्हें कहीं ना कहीं जो आंदोलनकारी थे वो भगा दिए थे। और इसी तरह का अब इस किसान आंदोलन में भी तस्वीरें सामने निकल कर आ रही हैं, लगातार गोदी मीडिया भी इसमें टारगेट हो रही है। और आज मुंब्रा शहर में जो है, यहाँ पर भी कांग्रेस के तरफ से जो आंदोलन किया गया है और तमाम आंदोलनकारी यहाँ पर मौजूद है, उन्हीं से बात करेंगे। क्या कहेंगे आप, जिस तरह से सरकार ये कानून लेकर आ रही है और लगातार किसान इस कानून का विरोध कर रहे हैं। एक तरफ सरकार कह रही है कि ये कानून किसानों के हित में है, सरकार चाहे जो कह ले, लेकिन पहले से ही किसान पीड़ित है और उस पर ये तीन कायदे लागू किए हैं, वो उन पर अन्याय ही है एक प्रकार का, इसलिए हम इसका विरोध करने आए हैं यहाँ पे। लेकिन सरकार के साथ उसकी किसानों की बैठक भी हुई, लेकिन उस बैठक में कोई भी नतीजा ऐसा सामने निकल कर नहीं आया। किसान जो है लगातार वो दिल्ली की तरफ बढ़ रहे हैं और सरकार है कि किसानों से बातचीत भी अब करने को तैयार नहीं है। सरकार किसानों से बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है, लेकिन हम इसका विरोध करके, उनको पूरे देश में इसका विरोध हो रहा है और हम भी उसके साथ खड़े हैं, और हो ना हो किसानों के लिए हम हमेशा खड़े रहेंगे। और भी यहाँ पर जो है कांग्रेस के तमाम पदाधिकारी हैं जो आंदोलन यहाँ पर कर रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे। इस किसान कानून जो लाया गया है सरकार द्वारा, इस कानून को लेकर आपका क्या कहना है जी? पहली बार तो ये कानून किसान के विरोध में कानून है, क्योंकि किसान अपना माल सब्जी मंडी में जाके APMB मार्केट में बेच नहीं सकता, क्योंकि जो पूंजीपति है, जो बड़े बड़े उद्योगपति है, उनको उनके हाथ में सब दिया हुआ कानून है ये, क्योंकि वो लोग डिसाइड करेंगे कि किसानों को क्या रेट देना है, क्या नहीं करेंगे। इससे तो किसान मर जाएगा। इसके लिए हम लोग किसान के विरोध के ये कायदे के अलावा कर रहे, विरोध कर रहे हम लोग। किसान आंदोलन में ये भी देखा गया है कि मीडिया का एक तबका है जो लगातार गुमराह कर रहा है कि नहीं ये बिल सही है, लेकिन किसान उन मीडिया कर्मियों को भी वहाँ से भगाने का काम कर रहे हैं। गोदी मीडिया के नारे लगाए जा रहे हैं, कई चैनल्स ऐसे हैं जिनके रिपोर्टरों को वहाँ से भगाया गया। जो गोदी मीडिया है, उन्होंने पहली बार तो कानून जो बिल लाया है वो पढ़ा ही नहीं है, और वो बिल पढ़ेंगे तो उनको मालूम गिरेगा, क्योंकि गोदी मीडिया किनको बोल के, वो उनके सपोर्ट में ही बात करेंगे। इसके लिए वो तो किसान को जो आंदोलन कर रहे हैं उनको खालिस्तान का नाम दे रहे हैं, पाकिस्तान का कुछ नाम दे रहे हैं, अलग अलग नाम दे के वो आंदोलन को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक, इसी तरह से कुछ दिन पहले या एक साल पहले जो CAA का विरोध हो रहा था, इसी तरह का मंजर भी उस समय गोदी मीडिया ने किया था। जी जी, उनका काम ही है कि लोगों को एक तरह से दिशाभूल किया जाए, कि यहाँ से लोगों के जो किसान, अपने देश की जो मेन रीढ़ है अपने किसान है, जो किसान को, जो किसान के बारे में जो उसके हाथ हित में कुछ काम नहीं कर सकता था, वो एक तरह से देखने जाएगा तो अन्याय है किसान की तरफ। आप क्या कहेंगे इस कानून को लेकर? इस कानून के बारे में कहना चाहूँगा कि इन्होंने संसद में जो बिल पास किया, उस टाइम जितने भी अपने संसद में जो है सदस्य, कोई वहाँ पर थे नहीं, तो इन्होंने जो कायदे जो लाए वो जबरदस्ती का नहीं, उनके मेजोरिटी के हिसाब से इन्होंने लाद दिए लोगों के। और लॉकडाउन का टाइम था,
उस टाइम लोग थे नहीं, और इन्होंने संसद में और राज्यसभा में ये बिल को पारित किया, और इसके लिए उनके पंजाब की जो उनकी सरकारी जो थी उन्होंने भी इस्तीफा दिया, और बहुत जगह पे चल रहा है आंदोलन। अगर किसानों को विश्वास में लेते ही नहीं इन लोग, ये अपना जबरदस्ती लाद रहे सब, जो भी कहा इन्होंने अभी तक बिल पास किए जबरदस्ती वाले सब है, तो ये अपना किसानों का कहना है कि जो बैठक हुई उसमें हमने सवाल किया लेकिन वो जवाब नहीं दे पाए। नहीं दे रहे ना, वो तो अपने एक तरफा चल रहे ना उन लोग, तो जैसा आपने कहा मीडिया को भी नहीं ले रहे, कुछ मीडिया जो और ये कानून भी अध्यादेश लाकर इसे बना दिया गया, इसे पास भी कर जाए, कोई भी सवाल इस पर इस कानून नहीं पर कोई भी सवाल नहीं बोलने देते ना उन लोग, कोई प्रश्न अभी 6 साल उनको होने को है, लेकिन कोई भी बिल उन्होंने पास किया, देखो किसी को मेजोरिटी में उन लोग है उसका खाली फायदा ले रहे हो, बाकी किसी को विश्वास में नहीं ले रहे, ना जनता को ले रहे, संसद जितने भी संसद है किसी को नहीं, अपोजिशन को नहीं कर रहे, लोग जो भी मसले चल रहे वो अपने एक तरफा उन लोग का चल रहा है, इसलिए हम ये निषेध किसानों के साथ में हम लोग खड़े हो गए। कांग्रेस पार्टी है हमारी और पूरा देश किसानों के साथ में, क्योंकि किसान जो है अगर नहीं आना ये करेगा तो अपन क्या कहेंगे, वैसा किसान को भी इन लोग लेते नहीं, गिनती में लेने रही, किसी को नहीं ले रहे, अपना दादागिरी चल रहा है इनको, एक तरफा निर्णय ले इसका हम लोग निषेध कर रहे हैं। तो आपने सुना कि जिस तरह से किसानों के समर्थन में आज यहाँ मुंब्रा शहर में भी एक विरोध प्रदर्शन यहाँ पर शुरू किया गया, और इन लोगों की भी मांग है कि सरकार जिस तरह से ये कानून लेकर आई है उसे वापस किया जाए। कैमरामैन यूसुफ पुरी के साथ इस्लामुद्दीन खान, प्रहार टाइम्स, मुंब्रा।